दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि राखी सावंत और रितेश के बीच में बड़ी दूरियां आ चुकी हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि बिग बॉस में नया घमासान देखने को मिल रहा है। नया घमासान इस समय तो खैर आपने देख ही लिया होगा कि रश्मि देसाई एंड देवोलीना भट्टाचार्य की भी तकड़ी एक दूसरे के साथ में फाइट चल रही हैं, और वहीं पर ही देखने को मिल रहा है कि किस तरीका से कुछ घर वाले एक दूसरे के साथ में लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन हाल ही में ही देखा है कि राखी सावंत और रितेश की ज़्यादातर फाइट देखने को मिल रही है, और लोगों को पता है कि इस वक्त इन लोगों की जो फाइट है वो एकदम बिल्कुल दिल तोड़ने वाली है, क्योंकि हो सकता है एक दूसरे के साथ में इनकी फाइट इतना तगड़ा जोरदार रूप ले ले कि एक दूसरे को बाहर का ही रास्ता दिखाना पड़ जाए। हालांकि तेजस्वी की बात की जाए तो तेजस्वी ज़्यादातर देखने को मिलती है कि वो करण कुंद्रा के साथ तो है, लेकिन करण कुंद्रा उसके साथ में चीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सलमान खान ने करण कुंद्रा को भी काफ़ी डांटा है, और डांटने के बाद में ये सब कुछ पता चला है कि करण कुंद्रा एक तरीका से पूरी राजनीति खेल रहे हैं, क्योंकि करण कुंद्रा तेजस्वी के साथ में पूरी प्लानिंग खेल रहे हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि उसके सहारे उन्हें वोट मिलती रहे। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इधर ये भी देखने को मिल रहा है कि करण कुंद्रा ज़्यादातर तेजस्वी को डांटते हुए नज़र आते हैं। हालांकि कुछ चीज़ में प्रकाश इसकी बात की जाए निशांत की, तो निशांत काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। हालांकि निशांत एंड प्रतीक की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। हालांकि बात की जाए तो इस समय रश्मि देसाई और प्रतीक के बीच में भी 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन सभी की निगाहें इस समय टिकी जो हुई हैं वो टिकी हुई हैं राखी सावंत एंड रितेश के रिश्ते के ऊपर कि आखिरकार इनका रिश्ता क्या नया मोड़ लेता है और कितना नया मोड़ लेता है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ गाइज कि जल्द ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से देखने को मिलेगा कि रश्मि देसाई एंड रितेश का रिश्ता किस तरीका से मजबूती पकड़ पाता है। साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ गाइज कि इस समय बिग बॉस जीतने के चांस सबसे अधिक जो नज़र आ रहे हैं वो करण कुंद्रा के नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट करके ज़रूर